हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नूपुर। इस वीडियो में देखेंगे अपन अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में दिया गया था। सिंगर एंड निकल्सन ने इस मॉडल को दिया था और ये बहुत अच्छे से इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर अपन जो पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज़ दिस मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन and it is the most accepted model. okay, इसके according भी जो cell membrane है वो किसकी बनी होती है, proteins और phospholipid bilayer की बनी होती है, जैसा कि sandwich model में बताया गया था। तो यहाँ पर जो phospholipid bilayer है वो बीच में मिलेगी This is one of the phospholipid layer and this is the another one. यहाँ पर भी इनका अरेंजमेंट ऐसा ही मिलता है जैसा कि सैंडविच मॉडल में देखा गया था, यानी हाइड्रोफिलिक हेड तो बाहर की तरफ मिलेगा और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं एक दूसरे को फेस करती हुई मिलती हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। सो दिस वॉज अबाउट द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं, एक प्रोटीन्स जो हैं वो तो बाहर के और अंदर की साइड पे मौजूद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितने आसानी से हम इसको अलग कर सकते हैं। अगर ये पेरिफेरी पे या बाहर की तरफ है तो आसानी से अलग किए जा सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो बीच में पूरी तरह या कंप्लीटली क्या होंगे, धसे हुए मिलेंगे, लाइक दिस। ओके, दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये तो क्या हो गई है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या हम इनको क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द पेरीफेरल प्रोटीन्स, पेरीफेरी की तरफ मौजूद होंगे। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज द इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के आर पार जाते हुए दिखते, लाइक दिस, इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब इसके अलावा बीच बीच में जो मिलेंगे वो फॉस्फोलिपिड तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड तो ये वाले हो गए, दीज आर ऑल्सो लिपिड मॉलिक्यूल्स विच आर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, इसके अलावा जो देखने को मिलता है वो मिलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स किससे अटैच्ड है, ये ऑलिगोसैकेराइड्स है, ब्रांच और अनब्रांच चेन ऑलिगोसैकेराइड्स। अगर ये प्रोटीन से अटैच है तो ये क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर ये लिपिड से अटैच है तो ये क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो लिपिड से अटैच हैं ये वाले कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और जो प्रोटीन से अटैच है ये वाले कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ दो शब्दों से ये मिलकर बन रहा है, दैट इज फ्लूइड एंड मोज़ेक। अब यहाँ फ्लूइड किसको रेफर करता है, फ्लूइड रेफर करता है यहाँ पर फ्लूइडिटी को। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू मूव। ओके,
सो दिस इज द एबिलिटी टू मूव. किसकी एबिलिटी है? प्रोटीन्स की. कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिपिड्स. सो बेसिकली हेयर द फ्लूइड वर्ड रेफर्स टू द फ्लूइडिटी दैट इज द एबिलिटी टू मूव. इट इज प्रोवाइडेड बाय लिपिड्स टू द प्रोटीन्स. ओके, अब यहां पर अगर हम देखें इस मॉडल के अंदर जो लिपिड्स है वो किस रूप में रहते हैं? क्वासी फ्लूइड स्टेट में. क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं, यानी कि पूरी तरह ये सॉलिड नहीं है, जेली लाइक मटेरियल रहेगा. ठीक है, तो अब ये क्या है, ये ऐसे रहेंगे, फ्लूइड के रूप में रहेंगे और इसमें क्या रहते हैं, बीच बीच में प्रोटीन्स. तो बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड स्टेट, तो इसीलिए इसमें प्रोटीन जो है वो मूव कर सकते हैं. क्लियर? और इसी वजह से क्या आती है इसके अंदर, इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है. किसमें? मेम्ब्रेन के अंदर. क्लियर? तो फ्लूइडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. तो फ्लूइडिटी कौन दे रहा है? लिपिड दे रहा है. किसको दे रहा है? प्रोटीन्स को दे रहा है. नेक्स्ट आता है यहाँ पे वर्ड मोजैक. मोजैक का मतलब होता है पैचवर्क ऑफ प्रोटीन्स. अगर हम टेक्निकली देखें व्हाट डज द वर्ड मोजैक मीन्स, मोजैक का मतलब होता है पैच. ठीक है, पैचेस जो है. अब अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मिल रहा है और बीच बीच में क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, अब इसके पैचेस के रूप में ये मौजूद है प्रोटीन्स, इसीलिए हम क्या कह देंगे इसको, पैचवर्क ऑफ प्रोटीन्स. क्लियर? तो ये किसको डिफाइन करता है? फ्लूइड मोज़ेक को. क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर फ्रेज यूज किया जाता है, दैट इज, तो दिस स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, और यू कैन से गुलाब जामुन इन शुगर सिरप. यहाँ पर गुलाब जामुन तो क्या हो गए, प्रोटीन्स, और शुगर सिरप क्या हो गया, लिपिड्स. तो इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग्स के रूप में मौजूद है इन द सी ऑफ लिपिड्स. तो ये सी तो किसका है, लिपिड्स का. क्या समुद्र है? सी. और इसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स है. आइसबर्ग्स आर द आइस के जो पहाड़ जैसे होते हैं स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स. तो सी ऑफ लिपिड्स में प्रोटीन्स क्या है, आइसबर्ग्स के रूप में मौजूद हैं. या हम कह सकते हैं चाशनी में गुलाब जामुन, ये तो सब जानते हैं. तो चाशनी तो किससे कंपेरेबल है, लिपिड्स है, और गुलाब जामुन क्या है, प्रोटीन्स. क्लियर? सो दिस इज द बेस्ट वे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए. इसके बाद इसी के रिस्पेक्ट में जो जो चीज़ें मैंने पॉइंट्स आपको बताया उसको एक बार समराइज कर अपन लिख लेते हैं. तो यहां पर अपन जो हेडिंग लिखेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फीचर्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें सबसे पहला तो अपन लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ
प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सेकंड आता है प्रोटीन्स किस तरीके के हैं, दो टाइप के हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से दो टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जिनको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द पेरिफेरल प्रोटीन्स, और दूसरे कौन से हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जिनको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द इंटीग्रल प्रोटीन्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इतनी आसानी से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे इसको डिवाइड करा गया है। तो पहला पॉइंट इनमें डिफरेंशियल बेसिस पे अपन कंपैरिजन करेंगे। पहला जो आएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। देन दूसरा जो आता है दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द प्रोटीन। लाइस टूवर्ड्स द पेरीफेरी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था पेरीफेरी पे मिलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इन आरबीसी। आरबीसी जो है उसकी मेम्ब्रेन में मिलता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द आरबीसी, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। देन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं दे कैन नॉट बी ईजीली एक्सट्रैक्टेड, आसानी से इनको मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द प्रोटीन्स, जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं उनका 70% कौन से हैं, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स। एंड दे लाई पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। ये जैसा मैंने आपको बताया था ये पार्शियली एम्बेडेड है, ये कम्प्लीटली एम्बेडेड है इन द सेल मेम्ब्रेन, उसमें धंसे हुए रहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है पोरिंस का। पोरिंस जो हैं ये सिंपलीस्ट टाइप के आप मानेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, पोर्स की तरह, ठीक है, हाइड्रोफिलिक चैनल्स के रूप में काम करते हैं जिसके ज़रिए कोई भी मटीरियल अगर मेम्ब्रेन से क्रॉस करना है तो आसानी से ये इसके थ्रू पास हो सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो दीज आर नोन एज द पोरेंस बिकॉज दे एक्ट लाइक द हाइड्रोफिलिक चैनल्स और द पोर्स। अब ये पोरेंस कहाँ मौजूद होते हैं, दीज पोरेंस आर बेसिकली प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो इन बैक्टीरिया। सो दीज आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन of mitochondria, chloroplast and bacteria. Please note it down. इधर का पार्ट मैं रब कर रही हूँ आप। अब नेक्स्ट जो अपन देखेंगे यहाँ पर, अपन ने ये तो देख लिया यहाँ कि कौन से टाइप के प्रोटीन्स मिल रहे हैं, नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, लिपिड्स पे।
तो थर्ड जो पॉइंट आएगा दैट इज़ अबाउट द लिपिड्स. मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड्स कौन से हैं यहाँ पर? फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, तो लिपिड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? लिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी एंड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन. अब इसमें अगर हम देखें फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी, तो कौन से लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं? दीज आर प्रोवाइडेड बाय द फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स की जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है उसमें किंक्स मिलते हैं, यानी बेंड मिलते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा. तो ये कुछ इस टाइप की मिलेगी, लाइक दिस. ओके, जबकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल होगी अगर फैटी एसिड की, तो उस केस में जो होंगे बेंड्स नहीं मिलेंगे. तो अगर ये तो कौन से हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स. और यही अगर अपन देखें किस केस में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, तो इनके अंदर जो है बेंड्स नहीं मिलते हैं, ये सिंपल इस टाइप की मिलेगी. ठीक है, अब हालांकि मेम्ब्रेन में तो अपन ने सिंपल ड्रॉ करा है, किंग्स शो नहीं करे हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड में क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स होती है, इसीलिए इसकी वजह से ही क्या आती है? फ्लूइडिटी आती है. जितने ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स होंगे उतनी ज़्यादा ही क्या होगी? मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी देखने को मिलती है. क्लियर? लेकिन हर चीज़ की अति क्या है? बुरी है. तो बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी भी सही नहीं है, इसलिए इसको स्टेबलाइज कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल. क्लियर? तो अगर हम बोलें स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय कोलेस्टेरॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? कोलेस्ट्रॉल. एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल दिस स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय हॉपेनॉइड्स और दीज आर पेंटासाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन में कौन प्रोवाइड कर रहा है फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी और स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो? लिपिड्स. इसमें भी फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी किसकी वजह से आती है? फॉस्फोलिपिड्स की वजह से आती है. फॉस्फोलिपिड्स में क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स पाए जाते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स जो मिलते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मिलते हैं. ठीक है, अब क्योंकि इनमें, हालांकि डायग्राम में तो अपन नॉर्मल बनाते हैं, इतना ज़्यादा अपन डिटेल में वो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक डिफरेंस मैं बता रही हूँ. क्योंकि इनमें किंक होता है, ठीक है, किंक मतलब एक बेंड होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? जैसे बहुत सारे तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे सपोज ये मेम्ब्रेन है, लाइक दिस, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स किंग की वजह से या बेंड की वजह से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? डिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली प्लेस नहीं होगा, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी. ठीक है, वो ज़्यादा क्रिस्टलाइज फॉर्म में या सॉलिडिफाइड फॉर्म में नहीं होकर किस फॉर्म में रहती है? सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड स्टेट में रहती है. तो उसके लिए मेनली क्या रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ अ फॉस्फोलिपिड्स. जितने ज़्यादा फॉस्फोलिपिड उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी. क्लियर? अब इसके अंदर ये चीज़ और मैंने बताई आपको कि भाई अति हर चीज़ की बुरी है, तो इसको स्टेबलाइज करना ज़रूरी है. स्टेबलाइज कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है. कोलेस्ट्रॉल जो होगा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को. यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हॉपेनॉइड्स मौजूद होते हैं. किस रूप में रहते हैं? पेंटासाइक्लिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे. इसके बाद इसकी वजह से अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स, द मेम्ब्रेन इज एबल टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस. व्हाट आर दीज फंक्शंस? लेट अस लुक एट दैट.
सो इसी के कंटिन्यूशन में अपन लिख लेंगे ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड बाय लिपिड्स टू सेल मेम्ब्रेन इट परफॉर्म्स different functions. Now what are these functions? Like cell secretion, endocytosis, cell growth, cell junctions, cell division. अब देखिए ये कैसे होगा. सेल सेक्रेशन जब भी होता है तो इसमें क्या बनती है, विसाइकल. जैसे सेल कोई भी मटेरियल अगर सेक्रेट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, विसाइकल के फॉर्म में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विसाइकल बनेगी और ये बाहर की तरफ जो है सेक्रेट आउट हो जाएगा जो भी इसके अंदर मटेरियल है, लाइक दिस. ठीक है, अब इसके लिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होना जरूरी है, इलास्टिक. इलास्टिसिटी होगी, लचीली होगी, तभी तो जाके ये वेसाइकल बनाएगी. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी. और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिपिड्स. तो सेक्रीशन वाली बात हो गई. एंडोसाइटोसिस होता है, साइट का मतलब होता है सेल, एंडो मतलब अंदर लेना. कोई भी मटेरियल को जब अंदर लिया जाएगा, ये तो मैंने विसाइकल के फॉर्म में क्या बताया कि बाहर दे रहा है कोई मटेरियल, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी. अगर कोई सॉलिड पार्टिकल आ रहा है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, सॉलिड पार्टिकल अगर कुछ आ रहा है तो ये विसाइकल के फॉर्म में ही अंदर आएगा. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फैगोसोम. अगर सॉलिड पार्टिकल है तो फैगोसोम बनाती है, सेल ईटिंग. क्लियर, तो उस केस में भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, लचीली होगी, तभी तो जाकर ये वेसाइकल बनाएगी और कोई पार्टिकल को अंदर लेती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस. सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के अंदर भी क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी. वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, उस केस में भी इलास्टिक होनी चाहिए मेम्ब्रेन. देन आता है सेल जंक्शंस. सेल जंक्शंस जो हैं, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा. तो इनके अंदर भी क्या होता है, बेसिकली इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज इसेंशियल. क्लियर, देन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना. यहाँ पर जब अपन ने बताया था कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है, सेल फरो फॉर्मेशन होता है, साइटोकाइनेसिस होगा. उस केस में क्या होगा, जब सेल इलास्टिक होगी, लचीली होगी, तभी तो जाकर वो कंस्ट्रिक्ट करेगी. तो दीज ऑल फंक्शंस आर बेसिकली परफॉर्म मेनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज of the cell membrane, that is fluidity, elasticity, which is provided by the lipids. Clear? So this was about the lipids and the proteins. Just note it down ताकि फिर अपन आगे continue करेंगे. इधर वाला पार्ट मैं रब कर देती हूँ. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें अपन ऐड करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द मूवमेंट. Both proteins and lipids shows rotational and lateral movement. देखिए अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हम फॉस्फोलिपिड के टर्म्स में देख लेते हैं. फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाई है अपन ने,
ठीक है। अब रोटेशनल मूवमेंट तो क्या होगा, रोटेशन एट इट्स ओन प्लेस। तो दोनों प्रोटीन और लिपिड रोटेशनल मूवमेंट भी शो करते हैं और लैटरल मूवमेंट भी शो करते हैं। लैटरल मूवमेंट ऐसा होगा, ये वाला लिपिड इधर आ गया, ये वाला लिपिड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लैटरल मूवमेंट तो क्या होगा, ये वाला दो लैटरली प्लेस मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सचेंज होगा। देन जो रोटेशनल मूवमेंट है वो कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस, वो अपनी जगह पर ही क्या होगा, घूम जाएगा। ये मूवमेंट्स जो हैं दोनों शो करते हैं, प्रोटीन्स भी शो करते हैं और लिपिड्स भी शो करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और मूवमेंट आता है, दैट इज़ द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इट इज़ शोन बाय लिपिड्स ओनली। ये केवल लिपिड्स ही शो करते हैं, ये मूवमेंट प्रोटीन्स शो नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, देर इज एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द टू मोनो लेयर्स। ये जो दोनों लेयर्स हैं, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा और इधर वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होगा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्लियर। अब ये वाला जो हालांकि मूवमेंट है ये बहुत रेयर होता है, जैसे कि SER है जहाँ लिपिड का प्रोडक्शन होता है मेनली। SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स, तो वहाँ पर ये मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, अदरवाइज इट अकर्स वेरी रेयरली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। फिफ्थ पॉइंट जो अपन लिखेंगे, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन is asymmetric in nature. अब asymmetric से क्या मतलब है, ये अपन ने देखा था कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स मिलती हैं। फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर्स मिलती हैं इनमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों लेयर्स में लिपिड एक जैसे ही हों, दोनों के अंदर लिपिड्स जो मिलेंगे वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रोटीन्स मिलते हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे और उनका अमाउंट भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तीसरी बात, अगर आपको याद हो मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये मेम्ब्रेन के केवल बाहर की तरफ मिलेंगे। अगर सपोज इसी में अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था इस टाइप से मिल रहे थे, अगर यहाँ प्रोटीन मौजूद है तो ये तो हो गए ग्लाइको प्रोटीन, ये लिपिड वाले हो गए तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड। तो ये सेल मेम्ब्रेन किस टाइप से रहेगी, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और ये हो गई अंदर की तरफ। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो केवल किसके अंदर मिलेंगे, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पे मिलेंगे, अंदर की साइड पे नहीं मिलते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, इट इज़ असिमेट्रिक इन नेचर। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ लिपिड्स इन मोनो लेयर्स मे वेरी। सेकंड, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन on outer and inner side of membrane differs। यानी extrinsic protein जो है cell membrane के बाहर की तरफ भी मिलते हैं और अंदर की तरफ भी मिलते हैं periphery पे। तो यहाँ पर बाहर और अंदर की तरफ जो proteins मिलेंगे वो different type के होंगे और उनकी quantity भी क्या रहेगी, that may vary। देन थर्ड आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। सपोज अपन ने ये मेम्ब्रेन ली है तो इस मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, ये सेल का बाहर का साइड है और ये सेल का अंदर का साइड है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो बाहर का तरफ है यहाँ पर क्या मिलेंगे,
अगर लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये केवल बाहर की तरफ मिलते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखने को नहीं मिलते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को हम एक साथ क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द ग्लाइकोकैलिक्स। हालांकि इट डिफर्स फ्रॉम द ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, तो यहाँ अपन लिखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स टुगेदर इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। एंड वॉट आर इट्स फंक्शंस? पहला जो फंक्शन आता है, इट एक्ट्स एज अ रिकग्निशन साइट। यहाँ जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो रिकग्निशन साइट की तरह काम करते हैं, रिकग्निशन टैग्स की तरह काम करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होंगे। तो एक सेल मेम्ब्रेन पर अलग ग्लाइकोप्रोटीन है, दूसरे सेल के मेम्ब्रेन पर अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो उसके ज़रिए ये क्या होता है, रिकग्नाइज करते हैं एक दूसरे को और उसके साथ बाइंड भी कर जाते हैं। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट। तो पहले दे एक्ट एज रेकग्निशन साइट, सेकेंड लिखेंगे प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट, थर्ड प्रोवाइड्स एंटीजन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो है ए। अब इसके अंदर जो एंटीजन मिलेगा, एंटीजन क्या है बेसिकली, दीज आर ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल के जो मेम्ब्रेन पे मिलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो क्या कहलाते हैं, दैट इज अ एंटीजन्स। अब यहाँ जो एंटीजन्स मिल रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन मिलेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कौन सा मिलेगा, ए, और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, बी। क्लियर? सो provides antigen specificity, antigen की specificity provide करता है। अगर blood group B है तो antigen भी जो मिलेगा उसके RBC membrane पे वो कौन सा मिलेगा, B मिलेगा। clear? then fourth आता है blood grouping। blood grouping में भी ये help करता है, blood grouping अभी जैसा मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पर क्या antigen A है तो blood group भी क्या होगा, A होगा। fifth immune response, these all are interrelated to each other। immune response भी antibody से related होगा। अगर blood group A है, antigen A है, तो antibody क्या होगी, B होगी, which provides immunity to the body। then immunity के बाद आएगा helpful in transplantation of organs। Now what happens, जब भी कोई organ का transplantation होता है तो उसके लिए अपने को उस बंदे का blood group पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी organ आप donate कर रहे हो तो वो क्या organ है, वो organ जो है वो बंदा accept करना चाहिए, उसकी body को accept करना चाहिए, और उसके लिए आपको उसका blood group पता होना चाहिए। अगर same blood group का होगा तो it is well and good, अगर different blood group का होगा तो फिर वो accept नहीं करेगा। तो ये कहाँ पर यूजफुल है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।